IRCTC टारगेट 1 नवंबर। सो ये देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा, चार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए 28 अक्टूबर को इस स्टॉक में स्प्लिट हुआ, राइट। तो शेयर उसका स्प्लिट का रिएक्शन दिया और शेयर 900 कुछ रुपए पे आ गया। उसके बाद भी देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे देखिए लोअर सर्किट लग रहा था, बिकॉज वो न्यूज आई थी 50% कन्वीनियंस चार्ज जो है गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। बट अगले दिन देखिए, जैसे ही दोपहर में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बोला नहीं, नहीं देना पड़ेगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। देखिए जितना तेजी से नीचे आया था उतना ही तेजी से ऊपर चला गया। अब मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बाउंस बैक की उम्मीद है, राइट। क्योंकि जितना गिरना था गिर चुका है और बाउंस बैक की उम्मीद है। पहला टारगेट होना चाहिए 920 रुपये का, जो स्प्लिट के जस्ट बाद जहाँ पे आया था वो लेवल तक जाएगा। वो लेवल जाने के बाद फिर आगे की जर्नी देखी जाएगी, तो लेवल से ध्यान रखिएगा।